वही प्लान हमारा एक्टिव हो चुका है। और रैपिडो में एक ही अच्छी चीज़ है कि आपको एक सीमित जोन में रखेगा। तो जो मेरा एक छोटा सा जोन है ना, इसमें देखो क्या क्या आ रहा है, एक जनकपुरी आ रहा है, रजौरी आ रहा है, मेरा फेवरेट रजौरी, विकासपुरी, उत्तम नगर, ना दे बस, और पूरा द्वारका कवर कर दिया इधर, पालम वगैरह। तो ये जोन ठीक है, और इस जोन के बाहर की ना राइड भी नहीं देगा मुझे। तो एक ये जोन है, जोन एक्टिव करने का, स्टॉप वर्क जोन नहीं, अभी वर्क जोन स्टॉप नहीं करना, इसको एक्टिव कर लो, अपने आप एक्टिव हो जाएगा, डेली एक बार ज्वाइन करना है। उसके बाद ये रात को 10 बजे तक रहेगा। तो ठीक है यार, ये जोन वाला सिस्टम ना, इसके बाहर की राइड नहीं आएगी, उसके अंदर ही अंदर घुमाता रहेगा। तो यही ठीक है भाई, हमें छोटी छोटी राइड करके इंसेंटिव लेना है हमारा। तो चलो लॉग इन आ गए हम 8:10 पे, और 11 बजे तक काम करेंगे। देखते हैं आज रैपिडो हमें इंसेंटिव के साथ कितनी अर्निंग कराता है, दिखाता हूँ मैं आपको। भाई सब्सक्रिप्शन रैपिडो में लिया है, राइड ऊबर की एक्सेप्ट की, इतने देर हो गई यार, राइड ही नहीं आ रही रैपिडो में। एक राइड आई थी मिस हो गई, एक राइड एक्सेप्ट करी, 500 मीटर का पिकअप था, एक्सेप्ट करके देखी तो 2 किलोमीटर का हो गया, वो फिर मैंने कैंसिल कर दी। और जब से रैपिडो राइड ही नहीं दे रहा मुझे, तो फिर मैंने ऊबर लॉग इन किया। ऊबर की भी यार 4 राइड कर देंगे, 150 रुपये इंसेंटिव तो आएगा। तो एक राइड आई है, सर्ज वाली राइड है, 2.5 किलोमीटर के 38 रुपये दिखा रहा है, 35 दे देगा। तो ठीक थी, मैंने एक्सेप्ट कर ली, 500 मीटर का पिकअप रह रहा है, इसको पिक करके ड्रॉप करते हैं। यार रैपिडो साथ नहीं दे रहा, मैं तो सोच रहा था आज रैपिडो से पैसे कमाएंगे, लेकिन रैपिडो राइड ही नहीं दे रहा। तो चलो आज की फर्स्ट राइड पिक करके ड्रॉप करते हैं फटाफट से। 2.2 किलोमीटर, बढ़िया भाई। 8:30 बजे आज की हमारी फर्स्ट राइड कम्प्लीट हुई है। ऊबर दे रहा है 34 किलोमीटर की राइड भाई साहब, 228 रुपये मात्रा रहा है। भगजा भाई क्यों दिखा रहा है ये, और इस राइड में हमें मिल गए 36 रुपये। चलो बढ़िया है, 36 रुपये मिले। अब हमें 3 राइड और करनी है, 150 रुपये मिलेंगे, लेकिन ऊबर को मैं बंद कर दूंगा क्योंकि रैपिडो की राइड करनी है। यार सब्सक्रिप्शन प्लान लिया है रैपिडो में, रैपिडो राइड ही नहीं दे रहा, पागल बना रहा है रैपिडो। आज सामने जनकपुरी वेस्ट मेट्रो स्टेशन है, राइड काफ़ी आती हैं, 12 किलोमीटर की राइड, आउटर रिंग रोड सेक्टर रोहिणी नहीं जाना बाबा, सुबह सुबह कहाँ भेज रहे हो, 100 रुपये की राइड, 12 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का पिकअप, यानी कि 14 किलोमीटर। अरे यार ठीक है, हमने काट तो दी यार। ये रैपिडो को क्या हो गया, रैपिडो को यार सही कहते हैं क्या लोगों का, कि अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान ले लोगे तो ये राइड नहीं देता है। मैंने सुबह सुबह रैपिडो की पूजा करी है, 19 रुपये दिए दान में, ले भाई सब्सक्रिप्शन प्लान राइड ही नहीं दे रहा। प्रैंक हो गया आपके साथ, नहीं तो यार इतनी राइड आती हैं, बतरई से बात हो रही है, कह रहे हैं मैं तो राइड कर रहा हूँ, मेरे पास तो आ रही है, हमारे पास क्यों नहीं आ रही, जबकि मैं पीक जोन में खड़ा हूँ, इतनी राइडें आती हैं मेट्रो स्टेशन से, इतनी राइडें आती हैं, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है भाई आज इसको। चलो कोई राइड आती है तो दिखाता हूँ, एक राइड कम्प्लीट हुई है हमारी। आधा घंटा हो गया यार फील्ड में आए, 8 बजे आ गया था, लेकिन काम तो 8:10 से स्टार्ट किया है। तो चलो कोई और राइड आती है तो दिखाता हूँ मैं आपको। ऊबर है अंकल जी, मुकेश जी के नाम से राइड है ना, हाँ ओ टी पी होता, हाँ वो एक्टिवा सर्विस पे गई हुई है, एक्टिवा का है वो, ओ टी पी बताओ ना, ये नंबर है 4789। 4789, लो भाई 5 किलोमीटर की राइड है विकासपुरी की, ये ले लेना, बैठ जाओ। चलो भाई 15 मिनट बाद राइड एक्सेप्ट किए, 5 किलोमीटर विकासपुरी की। अरे अब कहाँ राइड दे रहा है, अभी तो राइड पिक करिए, ऊबर भी भाई पागल ही है, अभी राइड ड्रॉप करूँगा उसके बाद राइड पिक करूँगा, उससे पहले ही राइड दे रहा है, और इसमें अभी दिखा रहा है 13-14 मिनट, और फिर 2 किलोमीटर का पिकअप है, मतलब 20 मिनट तक कौन वेट कर रहा है, इतने कैंसिल हो जाएगी तो क्या फ़ायदा जल्दी राइड देने का। तो चलो आज की सेकंड राइड ड्रॉप करते हैं फटाफट से। ठीक है, लो भाई कैश कलेक्ट करें, 50 रुपये मिल जाएंगे। और मैंने ऊबर में एक और राइड एक्सेप्ट कर लिया अजय जी की, भाई ऊबर ही चलाते हैं, अब रैपिडो तो काम दे नहीं रहा, 800 मीटर का पिकअप है, तिलक नगर लेके जाना है, 4 किलोमीटर की राइड है, इसमें भी 40 रुपये दे रहा है, 10 रुपये किलोमीटर पड़ रहा है, प्लस 4 राइड पर 150 इंसेंटिव आ जाएगा। तो भाई ऊबर ही चला लेते हैं, रैपिडो जब राइड ही नहीं दे रहा, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद तो सच में यार रैपिडो की तो हालत ख़राब हो जाती है। 9817 पीछे से लेना, अच्छा सही है पीछे से ले लेते हैं। चलो भाई इनको भी ड्रॉप करें फटाफट से, 21 रुपये डिस्काउंट ये लगे, सही कर दो कम्प्लीट है फटाफट। अच्छा ठीक है भैया, नेक्स्ट
कंप्लीट 5 स्टार और लो भाई नेक्स्ट राइड भी, फोर्थ राइड भी आ रहा है। ये 500 मीटर का पिकअप भाई, वो आज ऊपर मुझे वो राइड दे रहा है जो मुझे चाहिए होती है। छोटे छोटे पिकअप आ रहे हैं, देखो 500 मीटर का पिकअप है ड्रॉप, वो 3-4-5 किलोमीटर के अंदर में, और यही राइड चाहिए होती है। ये कल नहीं दी इसने, कल मॉर्निंग में इंसेंटिव दे रहा था तो कल नहीं दी, और आज मैं ऊबर करने आया था, इंसेंटिव नहीं था तो मैंने सोचा रैपिडो करूँगा, और रैपिडो का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी अपन ऊबर में ही काम कर रहे हैं। तो आज की ऊबर की चौथी राइड आ गई है, 4 राइड करनी थी मुझे 150 वाले इंसेंटिव के लिए, तो इस राइड के साथ मेरा इंसेंटिव भी पूरा हो जाएगा। तो भाई जो होना होता है ना वही होता है, ऊबर की वीडियो बनाने आया था, फिर प्लान चेंज हुआ कि रैपिडो की बनाऊँगा, और फिर लास्ट में जाके ऊबर की ही बन गई। तो आज ऊबर का ही दिन था भाई, तो चलो बढ़िया है, अर्निंग करा है भाई, कोई भी कंपनी करा है, पैसा कमाना चाहिए। फील्ड में निकले हो टाइम ख़राब कर रहे हो, पैसा ना आए तो बेकार है, पैसा आना चाहिए भाई। पहले मैं जब काम करता था जोमेटो में तो मैं ये लेके चलता था कि यार घर से बाहर निकले हो अगर 1 घंटा दे रहे हो तो 100 रुपये की अर्निंग हो जानी चाहिए, मतलब एवरेज 100 रुपये घंटा आना चाहिए। लेकिन अब भाई वो 100 रुपये घंटा कब तक रहेगा, अभी 100 200 रुपये का रहना है कि 200 रुपये घंटा तो आना ही चाहिए। तो बाइक टैक्सी फूड वगैरह करके एवरेज 200 रुपये घंटा होने लग गया है, तो भाई अर्निंग तो बढ़ानी पड़ेगी, कम थोड़ी करनी है। तो चलो आज की ये फोर्थ राइड, पिकअप लोकेशन पे तो आ गया मैं, देखूँ यार कस्टमर बाहर ही इंतज़ार नहीं कर रहा है, फ़ोन करके बुलाना पड़ेगा, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा, आगे फिर भी दिख रहा है कोई ना कोई, कॉल कर लेते हैं भाई, शिव शक्ति मंदिर पे खड़े हैं, आ जाओ भैया, कौन आ रहा है, क्या नाम है कस्टमर का, जमाल, ओ भैया जमाल जी कहाँ हो आप, यार कॉल करके बुलाते हैं फिर इनको पिक करते हैं। आपको ही कॉल कर रहा था, OTP बताना भैया इसका, 1342 बैठी भैया। लो भाई फोर्थ राइड भी पिकअप, और 3.6 3.5 किलोमीटर, तो चलो भाई इनको भी ड्रॉप करें फटाफट से। मोती नगर ईस्ट जटोरी गार्डन, ठीक है भैया। अरे भाई रैपिडो की राइड पिक करने वाली थी, लेकिन इतनी देर में देखी राइड कि देर में तो कोई और ही महाराज पिक करके ले गए ऐसा यहाँ पर भी कंपटीशन चल रहा है, वही कर दिया कि सारी कंपनियों ने। तो भाई आज की फोर्थ राइड हमारी कंप्लीट हो गई, टोटल अर्निंग 124 रुपये अर्निंग प्लस 150 रुपये इंसेंटिव, तो भाई इंसेंटिव ऐड करो, 84 रुपये की राइड 10 किलोमीटर, नहीं भाई रैपिडो वालों दे दो 150 रुपये कंप्लीट, 160 रुपये अच्छे लो भाई, 310 रुपये की हमारी अर्निंग हो गई सुबह सुबह। लेकिन भाई 310 की अर्निंग तो हो गई, कि रैपिडो को क्या हो गया मेरे सब्सक्रिप्शन प्लान लेने के बाद, एक राइड नहीं कराई आज रैपिडो ने। ये देखो राइड पश्चिम बिहार, पिकअप लंबा है यार, 3 किलोमीटर का पिकअप है, नहीं तो ये राइड अच्छी थी ले लेता मैं, 400 रुपये दे रहा है वही, 10 रुपये किलोमीटर पड़ रहा है, लेकिन वही पिकअप मार रहा है बहुत लंबा पिकअप भाई। आज तो मेरे को लग रहा है ऊबर में ही काम आ रहा है, ऊबर बैक टू बैक बजा रहा है। आपके सामने देखो कितनी राइड आ गई ऊबर में, क्योंकि आज इंसेंटिव नहीं दे रहा, मेरे को लग रहा है हर कंपनी का यही सिस्टम है, ऊबर मुझे इंसेंटिव नहीं दे रही लेकिन किसी और को इंसेंटिव दे रही होगी, तो जिनको इंसेंटिव दे रही है उनको राइड नहीं दे रही, जिनको इंसेंटिव नहीं दे रही उनको राइड दे रही है। ये ट्रिप CTI मॉल, ये कौन सी दुनिया है भाई, नाम तो ढंग से दो, सुभाष नगर से पिकअप है, सुभाष नगर के रजौरी हूँ मैं। बत्रा जी कह रहे 300 कितनी कमाई हो गई, 300-400-150 रुपये हुई, तो 1 घंटे में 4 राइड ओनली रैपिडो। अच्छा जी बत्रा जी की 1 घंटे में 4 राइड हुई है, 150 रुपये की अर्निंग हुई है, बताओ भाई बत्रा जी का भी काम नहीं हुआ आज, मेरा तो इंसेंटिव अच्छा मिल गया तो अर्निंग हो गई 150 रुपये की, मेरी भी अर्निंग है, मेरी भी 4 राइड है, दोनों का सेम ही अर्निंग है, बस मुझे इंसेंटिव मिला, उन्हें इंसेंटिव नहीं मिला, वो रैपिडो चला रहे। 9:30 हो गए भाई, 9:26, चलो कोई राइड एक्सेप्ट करता हूँ बढ़िया सी, तो दिखाता हूँ मैं आपको। तो भाई एक राइड एक्सेप्ट किए मैंने, ओला लॉगिन कर लिया था, ओला में आई हमारे पास सर्ज वाली राइड, 1 किलोमीटर का पिकअप है, 2 किलोमीटर का ड्रॉप है, 50 रुपये दे रहा है, और क्या चाहिए भाई, बस ये राइड कैंसिल ना हो फटाफट पिक करते हैं। और हाँ यार अभी कल परसों इतना पोल्यूशन हो रहा था तो सब कह रहे थे पोल्यूशन हो गया भाई, ये हो गया, लेकिन कम हो गया ये भी तो दिखाओ भाई, 2 दिन से ना काफ़ी पोल्यूशन कम हो गया, अब देखो धूप निकल रही है प्रॉपर,
और बादल वादल साफ दिखाई दे रहा है, आसमान दिख रहा है, आसमान ही नहीं दिख रहा था भाई, इतना पोल्यूशन, बिल्कुल धुआं धुआं चारों तरफ। कल कम था और आज उससे भी ज़्यादा कम है, तो चलो अच्छा है यार, पोल्यूशन तो कम हुआ, नहीं तो भाई पोल्यूशन में तो काम करना बीमारियों को दावत देने के बराबर था। तो चलो आज की हमारी फिफ्थ राइड आई है, ओला की फर्स्ट राइड है, इसको पिक करते हैं, ओला ही काम कराते हैं यार, ऐसी राइड देता रहे 50-50 रुपये वाली 2-3 किलोमीटर की, बढ़िया अर्निंग ना हो जाएगी। चलो अब 3 घंटे काम करना है ना, हम 8 बजे निकले थे, 11 बजे तक 500 रुपये भी घर लेके जाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 500 फिर दिन में कर लेंगे, दिन में ओला के फूड ऑर्डर भी तो करेंगे। तो चलो आज की फिफ्थ राइड पिक करते हैं फटाफट से। भाई प्रिया जी के नाम से राइड आ रखी है और 5 मिनट से ज़्यादा हो गए, नाम प्रिया है, कॉल कर रहा हूँ तो लड़का बोल रहा है। आपकी राइड है मैम? प्रिया जी के नाम से? प्रिया? हाँ। क्या आप, है ये इंस्टा पे है? ओला है? ये क्या हो गया? लड़का बोल रहा है, पता नहीं क्या सिस्टम है, समझ नहीं आ रहा भाई, आ जा जल्दी। दोबारा फ़ोन कर दिया, कह रहा है 2 मिनट में आ रहा हूँ भैया, इसके 2 मिनट ही नहीं हो रहे यार, समझ नहीं आ रहा। 50 रुपये की राइड है, नहीं तो अब तक कोई होती ना कम पैसों की, मैं कैंसिल कर जाता, नहीं 2 किलोमीटर के 50 रुपये दे रहा है, इसलिए रुका हुआ हूँ मैं, 7 मिनट वेट कर लिया, इतना वेट नहीं करता, जो इसका टाइमर होता है ना 5 मिनट का, वो कंप्लीट होते ही मैं तो कैंसिल कर देता, इसमें खुद आ रहा है यू कैन वेट और कैंसिल द बुकिंग नाउ, कंपनी खुद कह रही है आप चाहो तो वेट करो नहीं तो कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको हमने 5 मिनट दिए थे कस्टमर को आने के लिए, नहीं आया, कस्टमर की गलती है, अब आप कैंसिल करके जा सकते हो, नेक्स्ट राइड की वेट करो, लेकिन अब वही 50 रुपये का है ना, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। आ जा भाई जल्दी, नेताजी प्रिया के नाम से राइड है और है लड़का शायद, ये देना। तो चलो और वेट करते हैं थोड़ा सा, नहीं तो फिर कैंसिल ही करूँगा मैं इसको। तो ओला है ना? हाँ ओला से ही आया हूँ। ये पार्सल देना है? अच्छा, उसमें राइड का बुकिंग कर रखा है। ओटीपी इसका? एग्जैक्ट एड्रेस क्या था यहाँ का? ये पंजाब कैफे का एड्रेस लिखा हुआ है इसमें तो। हेलो भैया, ओटीपी बताना है इसका। 7221 भैया, लोकेशन ठीक है जहाँ ये देना है? B31। हेलो, बिल्कुल सही है ना? ठीक है, ठीक है मैम, वेलकम। अरे फ़ोन काटो भाई पहले, इसका कट गया फ़ोन। यार बताओ यार, राइड में पार्सल दे रहा है, 3 किलोमीटर हो गया, ये क्या हो गया यार? एक मिनट, लोकेशन गलत तो नहीं दिखा रहा? कहाँ से जाना है 3 किलोमीटर के? 2 किलोमीटर दिखा रहा था, घूम घूम के दिखा रहा है भैया, 3.2 किलोमीटर। ये क्या हो गया भाई, जब राइड आई थी उसमें लिखा था 2 किलोमीटर की राइड है ये, समझ ही नहीं आ रहा बबुआ। चलो कोई नहीं, 10 मिनट दिखा रहा है, टाइम कितना ख़राब कर दिया यार, जितना टाइम इनने ख़राब किया उतने टाइम में तो ये राइड कंप्लीट हो जाती। पता नहीं बुक कौन करता है, नाम किसी और का आ रहा है, वो लड़की भी कंफ्यूज हो गई, प्रिया नाम आ रहा है, लड़के की बुकिंग है, अब उसमें पार्सल भेज रहा है पागल, वो ये पैसों के चक्कर में कर रहा हूँ कि पैसे ठीक दे रहा है, नहीं तो इसको तो मैं कैंसिल कर देता कब का। चलो यार करते हैं भाई, यही यहाँ फील्ड के काम में ये बड़ी आफतें होती हैं, राइड में पार्सल भेज रहे हैं ये, नाम उल्टे सीधे, बुकिंग कौन करता है, देने कौन आता है, बहुत कंफ्यूजन होता है भाई। चलो इसको कंप्लीट करें यार फटाफट से। भाई ये क्या हो गया ओला को, 4 रुपये ही ले रहे हैं मात्र, इतना तगड़ा डिस्काउंट, 200 रुपये की राइड आ रही है भाई साहब, 30 किलोमीटर, सेक्टर 44, ओल्ड दिल्ली रोड गुड़गांव की राइड है ये 200 रुपये की। अरे बाबा नहीं जाना, ले जाओ यार 4 रुपये कैश कलेक्ट यार। बताओ 10 मिनट वेट किया, आने में मुझे मात्र 8 मिनट ही लगे हैं, लेकिन अभी कस्टमर फिर आने में टाइम ख़राब कर रहा है यार। ये पार्सल वार्सल वाले ऑर्डर में पैसे अच्छे मिले तो टाइम वेट भी करें यार, हम बाइक टैक्सी कर रहे हैं, वेट थोड़ी करने आए हैं, बहुत टाइम ख़राब होता है यार ये पार्सल में। ठीक है, पेड तो है लेकिन 4 रुपये आ रहे हैं इसमें पेड करने के लिए, देख लो करो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, डिस्काउंट मिल गया होगा इसमें। रोहिणी, ठीक है भैया, वेलकम। लो भाई 4 रुपये ले लिया हमने, हमें कितने दिए, 50 ही दे दिए भाई पूरे, क्या था ये सिस्टम भाई, 4 रुपये लिए हैं मात्र कस्टमर से, इसमें तो शायद कुछ आएगा नहीं डिटेल वगैरह। 96 रुपये की राइड रामाकृष्णापुरम, नहीं अरे यार मैंने बाकी ऐप क्यों नहीं खोल रखी, रैपिडो को ऑन करे भाई, एक घंटे में क्या पता 3 राइड करा दे, अभी फ्लो अच्छा है, रैपिडो ऑन करो और हमारा ऊबर को भी ऑन करो यार, ये राइड ने ना काफ़ी टाइम ख़राब कर दिया मेरा। ले भाई तू भी ऑनलाइन आ जा, तुम क्यों रुकते हो,
तो भाई सारी कंपनियों में ऑनलाइन आ गए। अब इसमें डिस्काउंट का नहीं दिखा रखा है, कस्टमर को अमाउंट फेयर वगैरह ही दिखा रखा है। एक्स्ट्रा 16 रुपये मिले हैं हमें 32 किलोमीटर की राइड। सही है भाई, कस्टमर से तुम कुछ भी लो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें हमारे पैसे दे दो बस, ये बढ़िया है। और पंजाबी रजौरी गार्डन से पंजाबी बाग वेस्ट राइड तो बढ़िया है, बाइक मेट्रो। और ये क्या दे रहा है, ओहो हरिनगर जनकपुरी, ये ले लेते हैं यार, 66 रुपये की राइड। अब तो ओह मिस हो गई, अरे यार रजौरी गार्डन मोती नगर से रजौरी गार्डन की है, ले ली। लो भाई अब तो सारी कंपनियां बजेंगी, अब बंद कर देते हैं। अब रैपिडो की 3 राइड करनी है भाई, 3 राइड का इंसेंटिव तो लूँ कम से कम। आ जा रैपिडो दादा, पिकअप 500 मीटर ये, हाँ 500 मीटर का ही पिकअप है। चलो भाई आज की ये रैपिडो की फर्स्ट राइड पिक करते हैं छोटी सी। और अभी टाइम क्या हो रहा है, 9:54, मोटा मोटा 10 बज गए। अब 10 से 11 के बीच में 3 राइड हो जाएंगी। अब ये राइड फटाफट निपटाऊंगा तो अब रैपिडो ही करेंगे यार। तो चलो आज की फर्स्ट रैपिडो की राइड पिक करने चलते हैं फटाफट से। 9282 बैठो भैया। लो भैया आज की फर्स्ट राइड पिक हो गई, आराम से खुला नहीं है। चलो इनको ड्रॉप करें फटाफट से। कम्प्लीट 29 ये लो, ठीक है भैया। लो भाई रैपिडो की फर्स्ट राइड कंप्लीट करी, 29 रुपये कस्टमर ने पे करे हैं। हमने सब्सक्रिप्शन फ्री वाला ले रखा है, 0 कमीशन वाला ना, तो 29 में से भी देखना उल्टे सीधे पैसे बहुत काटता है यार, क्या देगा। 26 रुपये दिए टैक्स वैक्स काट के, 26 रुपये मिले फर्स्ट राइड में। उसके बाद राइड तो दे दो यार, एक ही राइड कराओगे क्या यार, समझ नहीं आ रहा। आज तो ना मामला गड़बड़ हो गया, एक कंपनी में काम करो ना तो मज़ा आता है। आज मैंने सारी कंपनियां चला ली, ओला भी, उबर भी, रैपिडो भी, तीनों कंपनियों में राइड करी है, सब ऑन करने पड़ेंगे यार। एक कंपनी पर भरोसे रह भी तो नहीं सकते, राइड ही नहीं दे रही। अब लाल लाल दिखा तो रहा है, ओला में राइड बहुत है, हमारी ओला भी लाल है, हम भी लाल हो रखे हैं, हेलमेट भी लाल है भाई, सब कुछ लाल है काम फिर भी नहीं है। तो चलो वेट करते हैं नेक्स्ट राइड का, 10:04। मैं तो सोच रहा हूँ रैपिडो में ही हो जाए 2-3 राइड, इंसेंटिव तो मिले, सब्सक्रिप्शन के पैसे तो वापस आए, इंसेंटिव क्या मिलेगा, 35 रुपये मिलेंगे 2 राइड और कंप्लीट कर देते हैं तो। लेकिन वो ये 26-26 रुपये की राइड का फ़ायदा नहीं। विकासपुरी की राइड आ रही 43 रुपये की, 1.5 किलोमीटर पे, कब क्या करें, ले ना ले, समझ में नहीं आ रहा, ले ली क्या, रेट ठीक ठाक है 43 रुपये, छोड़ो यार जाने दो, और कोई राइड देखते हैं। चलो देखते हैं, दिखाता हूँ मैं कोई और राइड एक्सेप्ट करता हूँ तो दिखाता हूँ। हाँ UPI कर दीजिए भाई, हम ये ले लेना आपका भाई। रैपिडो की एक और राइड कंप्लीट हो गई हमारी, 42 रुपये। हो जा भैया कैश कलेक्ट फटाफट। लो भाई रैपिडो की हमारी आज की सेकंड राइड कंप्लीट हो गई, 2 किलोमीटर की राइड थी, 2 किलोमीटर की राइड के हमें 37 रुपये दे दिए रैपिडो ने, बहुत बढ़िया। अभी 10:21 हो रहे हैं, रैपिडो की एक राइड और करेंगे ताकि हमारे जो सब्सक्रिप्शन के 19 रुपये दिए वो तो हमें 3 राइड के इंसेंटिव के रूप में 35 रुपये मिल जाएंगे, तो सही हो जाएगा काम। मायापुरी आ गया मैं, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया, फिर से अपना ऊबर और ओला भी ऑन कर देते हैं। तो चलो कोई राइड आती है तो दिखाता हूँ मैं आपको। 26 ठीक है मैम, थैंक यू, वेलकम। लो भाई रैपिडो की राइड आई, और उससे पहले हमने एक ओला में राइड कंप्लीट करी, काफ़ी देर से वेट कर रहा था। चलो ये अच्छा हुआ कि थर्ड राइड आ गई, ऊबर को बंद कर देते हैं अब, 11 बजने वाले हैं, 12 मिनट है भाई, जल्दी फटाफट से राइड कंप्लीट करें यार। ये रैपिडो वाली मायापुरी की राइड आई है, पिकअप लोकेशन कितना दूर है, 1 किलोमीटर। अच्छा पीछे से भी जा सकता हूँ, यहीं से चलते हैं ना फिर तो भाई ऊबर में राइड आ रही है लेकिन रेट ज़्यादा खास दे नहीं रहा, रैपिडो में तो यार राइड ही गायब हो रखी है। अरे वाह 8 किलोमीटर की, ओला को भी थोड़ी देर बंद करते हैं। ये रैपिडो की 3 राइड करनी थी, तीसरी राइड अब आई है, वो तो अच्छा है, 11 बजने में 11 मिनट से राइड आ गई, नहीं तो ये 3 राइड वाला भी इंसेंटिव नहीं देता हमें। तो चलो ये लास्ट राइड है, इसके बाद घर भागेंगे अपन, राइड पिक करते हैं पहले फटाफट। 44 ये लो स्कैनर, ठीक है भैया। तो भाई 11 बज गए और आज की लास्ट राइड जो मैंने करनी थी रैपिडो की 3 राइड हो जा भाई कंप्लीट। लो भाई कंप्लीट कर दी ये राइड, 137 रुपये की, 38 रुपये मिले इस राइड में, 3.5 किलोमीटर की थी। और मेरा घर यहाँ से कितना रह गया भैया, हाँ भाई 35 रुपये जोड़ दिए इसने इंसेंटिव के, यहाँ से घर हो गया यार 5 किलोमीटर, बहुत बढ़िया।
चलो भाई धीरे धीरे घर भागते हैं और अर्निंग चलते चलते बताता हूँ मैं कितनी हो गई आज हमारी। देखो 137 रुपये तो हमारे रैपिडो में हो गए और गाड़ी अभी तक मेरी 40 किलोमीटर चली है, 39.9 40 किलोमीटर गाड़ी चली है, 137 प्लस इसके ऊबर के कितने थे भाई, ऊबर देवता 310, यानी कि 137 को राउंड फिगर करें कि 140, 3 रुपये प्लस करते हैं, 140 प्लस 310 रुपये हमारे ऊबर के, तो ये हो गए 450 है ना, 310 और 140 450 प्लस हमारे ओला महाराज कहाँ है, ओला महाराज तुम भी आ जाओ सामने, क्यों छुप रहे हो, नाराज़ हो गए हमसे, 74 रुपये इसमें हो गए, तो 4 रुपये वहाँ घटाए थे तो 4 यहाँ से माइनस कर दो, 450 कितने हो गए, 520 रुपये की अर्निंग हुई है, 520 में से हमने 19 रुपये का सब्सक्रिप्शन लिया था रैपिडो का, तो वो 19 रुपये 20 रुपये हटा दो, तो मैंने बोला था ना 3 घंटे में 500 रुपये घर लेके जाओ, तो भी क्या दिक्कत है, तो 8 के भी मैंने 8:15 बजे लॉगिन किया था, 11 बजे आइडिया बंद कर दी है अभी, तो सारी दोबारा लॉगिन कर देता हूँ क्योंकि घर भी खाली जाने से अच्छा है, घर की साइड की कोई राइड मिल गई तो ले लेंगे यार। बाकी मोटा मोटा यही हमारी सुबह की मॉर्निंग की अर्निंग हुई है 500 रुपये की, जो कि हमने मात्र 3 घंटे काम किया, 40 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल गई, तो ठीक है भाई सुबह सुबह के हिसाब से बढ़िया है, 500 रुपये अभी कमा लिए, अब दिन में निकलेंगे फूड वूड के ऑर्डर करेंगे, ओला का इंसेंटिव पूरा करेंगे, तो दिन में भी 500 रुपये हो जाएंगे, तो 1000 रुपये आराम से कमा लेंगे, 3 घंटे सुबह और 3 घंटे दिन में भी 3-4 घंटे दे लेंगे, तो 7-8 घंटे में 1000-1200 रुपये, तो ये सिस्टम सही लगता है मुझे। तो चलो अभी घर भागते हैं और शाम को टोटल अर्निंग और बता दूंगा मैं, जो दिन में काम करूंगा तो उसकी लास्ट में एक टोटल अर्निंग बता दूंगा कि मेरी आज पूरे दिन में कितनी अर्निंग हुई। तो चलो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। भाई एक चीज़ बताना तो मैं भूल ही गया, 1200 के अर्निंग के अलावा भी हमारी एक अर्निंग हुई है, कल मैंने OPT रूट की एक वीडियो डाली थी उसमें बताया था कि रेफ़र करो, मैंने कल रेफ़र किया था, मेरा नाम आ रखा है, आप जीत चुके हैं 250 रुपये, तो हमारी ये 250 रुपये की अर्निंग और बढ़ गई, यानी कि हमारी 1450 रुपये की अर्निंग हुई है। तो देखो मैंने बोला था कि आप रेफ़र करो तो आप सब भी रेफ़र करो, ऐसे ही आपका नाम आएगा, देखो मेरा आ रखा है, नीरज भाई का भी आ रखा है, कोई हमारे अमित भाई हैं और ये जितेंद्र भाई, इनके 17 पॉइंट है, 15 पॉइंट, 14 पॉइंट और मेरे 24 पॉइंट पे आ गया। अब इस इनाम को जीतने के लिए करना क्या है, मुझे रिडीम हेयर जैसे ही करूँगा व्हाट्सअप पर नंबर आ जाएगा, तो इनके पास मेरा ये कोड और डेट चली जाएगी कि भाई हम ये इनाम जीत गए, और अब ये यहाँ से रिप्लाई आएगा, ये मेरे से QR मांगेंगे, मैं इनको QR भेजूंगा और 250 रुपये हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। तो भाई आप भी जीतो, ऐसी ऐप डाउनलोड कर लो, मैंने कल बताया था ऐप डाउनलोड करके भाई 250 रुपये साइड इनकम, देखो आज हमने 1200 रुपये पूरे दिन फील्ड में कमाए, प्लस ये OPT रूट को शेयर कर करके भी 250 रुपये कमा लिए थे, तो आप भी कमा सकते हो, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करो, शेयर करो और 250 रुपये आप भी साइड इनकम जनरेट करो। तो भाई घर आ गए हम, 8:17 हो रहे हैं और आज हमारी गाड़ी चली है 116 किलोमीटर, 116 किलोमीटर गाड़ी चला के हमने आज कितनी अर्निंग कर ली, तो एक बार दिखाता हूँ किस ऐप में मैंने कितना काम किया। तो देखो रैपिडो में 174 रुपये की अर्निंग हुई थी मेरी, और इसमें ट्रिप कितनी हुई थी आज, ट्रिप और देखते हैं एक बार यार आज ट्रिप कितनी की थी टोटल, इसमें ट्रिप कहाँ दिखाता है यार, एक एक दिखा रहा है, एक एक नहीं पूरी समरी भी आती है, हाँ यहाँ आ रही है इसकी समरी, 4 ट्रिप कंप्लीट किए हमने रैपिडो में, 174 रुपये की अर्निंग हो रही है हमारी रैपिडो की, और 11 ट्रिप कंप्लीट किए, अरे ट्यू बैटरी लो, ठीक है अभी चार्ज करते हैं, 11 ट्रिप की अर्निंग हुई है 560 रुपये, 560 प्लस 60 रुपये का इंसेंटिव भी तो हमारा कंप्लीट हो गया भाई, आज हमने इंसेंटिव भी कंप्लीट कर लिया 10 राइड वाला। अरे वाईफाई कनेक्ट नहीं है क्या हमारा, 60 रुपये ये, 560 ये, 620 रुपये की अर्निंग हुई है हमारी ओला में, ऊबर में देख लो भाई, ऊबर में हमारी 417 रुपये की अर्निंग है, ऊबर देवता क्या हो गया, और इसमें ट्रिप कितनी की है, 11 उसमें की थी, इसमें हमने 6 ट्रिप किए, यानी कि 18 और 18 और 4 22 ट्रिप टोटल किए हैं, 417 ये, अब इन सब का टोटल करते हैं एक बार, आ जाओ भाई कैलकुलेटर, 560 प्लस 60 रुपये इंसेंटिव प्लस 417 ऊबर, 174 रुपये रैपिडो, 1211 रुपये की हमारी टोटल अर्निंग हो गई, 1211 में से ये 417 में 25 रुपये माइनस हो गए ऊबर का प्लेटफॉर्म चार्ज, अब हम इसमें से माइनस कर लेते हैं ओला का प्लेटफॉर्म चार्ज, 12.5 प्लेटफॉर्म चार्ज, और माइनस करते हैं 19 रुपये का जो हमने सुबह सब्सक्रिप्शन प्लान लिया, तो लगभग 1180, और गाड़ी 116 किलोमीटर चली ना मेरी, तो भाई 116 किलोमीटर गाड़ी चल गई, पेट्रोल हमारा लगा नहीं क्योंकि ओला से गया था, पेट्रोल लगता भी तो लगभग 200 रुपये का पेट्रोल लगता,
तो मोटा मोटा मैंने काम किया था, सुबह 3 घंटे काम किया था, शाम को निकला था मैं, 3 बजे निकला था, 3 से मैंने अभी 8 बजे घर आया हूँ, 5 घंटे शाम को काम किया है, 3 घंटे सुबह काम किया था, 8 घंटे में हमारी ये 1200 रुपये की अर्निंग है, पेट्रोल भी लगता है 200 रुपये का, तब भी 1000 रुपये मेरे 8 घंटे में बाइक टैक्सी ओला उबर रैपिडो तीनों में करके बच जाते, तो 1200 ही बचे मेरे क्योंकि पेट्रोल मेरा लगा नहीं। तो ये थी आज की हमारी अर्निंग। तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट, कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, मैं हर कमेंट का जवाब दे दूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी शानदार सी वीडियो के साथ। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे जाना सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा।